ये यूफोरिया कंपनी का YU5010 ये मोबाइल है, और इस मोबाइल में ख़राबी है कि आप इसको ऑन करते हैं तो ऑन करने पे इस प्रकार से वायु पर रुका हुआ रहता है, और इस ख़राबी को ठीक करने के लिए हमको इसको फ्लैश करना होता है। इसको फ्लैश करने के लिए हमारे पास सबसे पहले इसकी फ्लैश फाइल होना चाहिए, जैसे कि इसकी फ्लैश फाइल हमारी YU5010A की फोल्डर में है। यह इसकी फ्लैश फाइल है और यह इसका फ्लैशिंग टूल है। तो सबसे पहले हमको इसका फ्लैशिंग टूल को इंस्टॉल करना होता है। इसके लिए इसका फोल्डर ओपन करते हैं, और इसके फोल्डर में एक सेटअप आता है। इस सेटअप पर हम डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके इस प्रकार से एक सेटअप आ जाता है UPST नाम से। इसमें हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे टिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक किया और यह सेटअप सेटअप इंस्टॉल होने के बाद यहाँ से हम क्लोज पे क्लिक कर देते हैं। क्लोज पे क्लिक करने के बाद अब हम मोबाइल को कनेक्ट करते हैं। मोबाइल को जो हम कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले मोबाइल को ऑफ़ कर लेंगे यदि ऑन है तो। ऑफ़ करने के लिए इसकी बैटरी को एक बार निकाल के दोबारा से लगा लेते हैं, और बैटरी निकाल के लगाने के बाद इसमें जो मोबाइल में वॉल्यूम डाउन बटन होता है और एक पावर बटन होता है, इसमें वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को हम एक साथ दबाएंगे। इस प्रकार से इस मोबाइल को फास्ट फूड मोड में लाने के लिए, अभी हमने इसका वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दबाया तो ये फास्ट फूड मोड में नहीं आया। कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जो वॉल्यूम अप और पावर बटन से ही फास्ट फूड मोड में आ जाते हैं, तो इसके लिए हमने वॉल्यूम अप और पावर बटन को दबाया, और वॉल्यूम अप और पावर बटन दबाते ही इसकी स्क्रीन पर फास्ट फूड मोड लिखा जाता है इस प्रकार से। इसके बाद हम USB केबल लगा के कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं, और कंप्यूटर से कनेक्ट करते ही इसका ड्राइवर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है। इसका ड्राइवर को चेक करने के लिए हम डिवाइस मैनेजर ओपन करते हैं। अभी जैसे कि यह मोबाइल का ड्राइवर जो है वो अदर डिवाइस के अंदर एंड्रॉयड नाम से आ रहा है। यदि ड्राइवर यहाँ पर इंस्टॉल होने में नो ड्राइवर फाउंड लिखा जाता है, मतलब फेल्ड हो जाता है ये प्रोसेस, तो मैनुअली ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। मैनुअली ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पर एंड्रॉयड पर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ब्राउज माई कंप्यूटर पर क्लिक करके लेट मी पिक फ्रॉम माई लिस्ट पर टिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हैव डिस्क पे क्लिक किया, और हैव डिस्क पे क्लिक करने के बाद हम ब्राउज पे क्लिक करते हैं। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद अब हम इसमें ड्राइवर जो देते हैं वह हम अपने कंप्यूटर में से सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल में एक Xiaomi नाम का फोल्डर बना रहता है। यदि ज्वाली प्रोग्राम फाइल में नहीं आ रहा तो हम ज्वाला प्रोग्राम फाइल के अंदर ढूंढते हैं। जैसे कि Xiaomi नाम का फोल्डर बना हुआ है, यह फोल्डर हमारा तब इंस्टॉल होता है जब हमारे कंप्यूटर में MI फ्लैश टूल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। इसका हम फोल्डर ओपन करेंगे, इसके अंदर MI फ़ोन के अंदर और गूगल वाले फोल्डर में और ड्राइवर के अंदर एंड्रॉयड बिन USB नाम से एक फ़ाइल आती है। इस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन करेंगे, इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद इसमें कई सारे ऑप्शन आते हैं। इसमें हम एंड्रॉयड बूट लोडर इंटरफेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, और यस पे क्लिक करेंगे तो इसका ड्राइवर जो है वो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है। और ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे विंडो हैज सक्सेसफुली अपडेटेड यो ड्राइवर सॉफ्टवेयर लिखा जाता है। इसके बाद हम क्लोज पर क्लिक कर देते हैं। क्लोज पर क्लिक करते ही यहाँ पर एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड बूट लोडर इंटरफेस नाम से मोबाइल आने लगता है। इसके बाद जो हमारा फोल्डर था फ्लैश फाइल का, इसमें ये फ्लैश फाइल होती है और इसमें एक CMJS नाम से फोल्डर आता है। इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक अनलॉक नाम से एक फ़ाइल आती है। इस फाइल के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करते यहाँ पे लिखा आता है प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। तो इस समय हम एंटर बटन दबा देंगे। एंटर बटन दबाते हुए विंडो बंद हो जाएगी। विंडो बंद होने के बाद डिवाइस मैनेजर के अंदर यहाँ पर या मोबाइल इस नाम से आ जाता है ZEUS फ्लैश डिवाइस। अब हमको उसका दोबारा से ड्राइवर अपडेट करना होता है। ड्राइवर अपडेट करने के लिए
राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे, ब्राउज माय कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट पे क्लिक करेंगे, उसमें क्वालकॉम एचएस यूएसबी क्यू लोडर 9008 वाला ड्राइवर देकर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ड्राइवर इंस्टॉल करने में यदि इस प्रकार से लिखा जाता है कि विंडो इनकॉर्पोरेटेड प्रॉब्लम इंस्टॉलिंग द ड्राइवर सॉफ्टवेयर फॉर योर डिवाइस, यदि ड्राइवर प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हो पाता तो हम यहाँ से क्लोज पर क्लिक कर देंगे, और क्लोज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे कि येलो कलर का निशान हो रहा है आ रहा है तो इसका मतलब इसका ड्राइवर प्रॉपर इंस्टॉल नहीं है, तो हम कंप्यूटर को एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं। अब जैसे कि अभी हमने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लिया था, और रिस्टार्ट करने के बाद मोबाइल को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, और मोबाइल को हम ऑन कर रहे हैं तो ये मोबाइल ऑन नहीं हो रहा, क्योंकि यह EDL मोड में पहुँच जाता है, मतलब इमरजेंसी मोड में पहुँच जाता है। अब यह मोबाइल ऑन नहीं होगा जब तक ये पूरा कंप्यूटर फ्लैश नहीं हो जाता, और इसको कंप्यूटर से हम इस समय कनेक्ट जो करेंगे वह इसका वॉल्यूम अप बटन दबा लेंगे और वॉल्यूम डाउन बटन दबा लेंगे, और यह दोनों बटन दबा के हम USB केबल लगाएंगे, या दोनों बटन दबा के जैसे USB केबल लगाएंगे तो डिवाइस मैनेजर के अंदर या मोबाइल हमारा पोर्ट्स के अंदर क्वालकॉम HS USB क्यू लोडर 9008 नाम से COM10 बना लेता है। इसके बाद अब हम इसकी जो फ्लैश फाइल का फोल्डर था इसके अंदर इसकी फ्लैश फाइल है, इसको हम राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कराएंगे। और फाइल एक्सट्रैक्ट कराने के बाद अब हम सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल के अंदर एक क्वालकॉम नाम का फोल्डर बन जाता है, जो कि हमने QPST सेटअप इंस्टॉल किया था उससे क्वालकॉम के अंदर QPST के फोल्डर में जाएंगे, और इसके अंदर बिन के फोल्डर में जाएंगे। बिन के फोल्डर के अंदर इसमें एक सेट सॉफ्टवेयर आता है QFIL नाम से, इस सॉफ्टवेयर को हम डबल क्लिक करके इंस्टॉल ओपन करेंगे। यह सॉफ्टवेयर इस प्रकार से ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वालकॉम HS USB क्यू लोडर 9008 मतलब कि जो हमने मोबाइल कनेक्ट करके रखा है उसका नाम लिखा आता है, प्लस कॉम बताता है। यदि आपको चेंज करना हो तो सिलेक्ट पोर्ट पे क्लिक करके हम चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमारा मोबाइल का कॉम जो है बिल्कुल सही आ रहा है। इसके बाद हम फ्लैट बोल्ड पे टिक लगाएंगे, और यहाँ पर प्रोग्रामर पाथ के अंदर ब्राउज पे क्लिक करेंगे, और ब्राउज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी हमारे कंप्यूटर में इसकी फाइल डली हुई है, जैसे कि हमारे डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट फाइल 3 के अंदर YU5010A के फोल्डर में, और ये सॉफ्टवेयर वाले फोल्डर में इसकी दो फाइल आती हैं, तो इसमें जो proc-emc-firehouse.mbn वाली फाइल होती है इसको सिलेक्ट करके हम ओपन करते हैं, तो ये फाइल यहाँ पे लोड हो जाती है। इसके बाद हमको रो प्रोग्राम और पेज प्रोग्राम वाली फाइल को भी लोड करना होता है, इसके लिए हम लोड XML पे क्लिक करेंगे और इसी फोल्डर को ओपन करेंगे जो फोल्डर से हमने पहले फाइल ली थी। इसके अंदर रो प्रोग्राम वाली फाइल सेलेक्ट करके ओपन किया, इसके बाद पेज वाली फाइल को सिलेक्ट करके ओपन किया, और यहाँ दोनों फाइल सेलेक्ट होने के बाद इस प्रकार से यहाँ पे आ जाती हैं, और सीधे हम यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करते ही मोबाइल हमारा फ्लैश होना स्टार्ट हो जाता है। और फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे डाउनलोड सक्सेस लिखा आ जाता है। इसके बाद मोबाइल को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं कंप्यूटर से, और डिस्कनेक्ट करने के बाद एक बार इसकी बैटरी को निकाल के दोबारा लगाते हैं और इसको ऑन करके चेक करते हैं। जब हमने इस मोबाइल को ऑन किया तो इस प्रकार से मोबाइल ऑन होने लगता है। अभी जैसे कि इस मोबाइल में ख़राबी ये थी कि ये वायु से आगे नहीं जा रहा था, हम इसकी ख़राबी को चेक करते हैं। इसके बाद ये मोबाइल यूफोरिया से आगे बढ़ जाता है, और इस प्रकार से सेटिंग्स के लिए आता है, तो इसमें हम नेक्स्ट करते हैं, और इंसर्ट सिम कार्ड सेटिंग्स को स्किप किया। इसके बाद जैसे कि वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, और यहाँ पे स्किप का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह होता है कि इस मोबाइल में FRP लॉक लगा हुआ है, तो इसके बाद हमको इस मोबाइल का FRP लॉक खुलना पड़ता है, लेकिन जो हमारी फ्लैशिंग की प्रोसेस होती है यहाँ पर ये कम्प्लीट हो जाती है।